उनके तो फितरत में ही धोखा है। मैंने मेरा बाप खोया है और मेरे बाप खोने के समय में भी बहुत लोगों ने राजनीति माहौल बनाया, कांग्रेस ने हमेशा वैल्यू नहीं किया, मगर ठीक है। दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे और मुंबई यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जीशान सिद्दीकी अपने पिता के निधन के बाद एनसीपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुलदस्ता देकर जीशान सिद्दीकी का पार्टी में स्वागत किया। इसके साथ ही एनसीपी ने 2024 के महाराष्ट्र चुनाव के लिए बांद्रा ईस्ट सीट से जीशान सिद्दीकी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी में शामिल होने के बाद जीशान सिद्दीकी की प्रतिक्रिया भी आई है, जिसमें उन्होंने न केवल एनसीपी और अजीत पवार को धन्यवाद दिया बल्कि कांग्रेस को निशाने पर भी लिया। परसों आपने देखा महाविकास अघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास अघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे, कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने एक्सेप्ट किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है, वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम वांद्रे पूर्व जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूँ और पूरे वांद्रे पूर्व में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा। बाबा सिद्दीकी जी के निधन के बाद कांग्रेस के लोग आपसे मिलने आए थे, हमने देखा, लेकिन टिकट को लेकर कोई चर्चा, कोई संपर्क किसी तरह? बहुत लोगों ने बहुत सारी राजनीतिक बात की, राजनीतिक मुद्दा उठाया। मैंने मेरा बाप खोया है और मेरे बाप खोने के समय में भी बहुत लोगों ने राजनीति माहौल बनाया, उसका राजनीति गलत तरीके से उपयोग किया, गलत गलत वादे किए, गलत गलत पर्दों में रखा, मगर देखिए आज न तो कल हम सबको ऊपर जाके चेहरा दिखाना है और अगर किसी के नब्स में अगर बेमानी हो तो उसको कुछ कह नहीं सकते। हमेशा मैं कांग्रेस के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि बेचारे हमेशा शिवसेना उबट्टा के प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ मैंने बहुत साल कांग्रेस में बिताए हैं, जब से होश संभाला है कांग्रेस में ही था, दुख तो है कांग्रेस ने हमेशा वैल्यू नहीं किया, मगर ठीक है इस बार शिवसेना जब वो जान जाएंगे कि शिवसेना उबट्टा सही नहीं है तो मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ता और भी खुश रहेंगे। हमने, राष्ट्रवादी ने मुझे पे भरोसा किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और जिसने हमें इस कठिन समय पर सम्मान दिया उसके साथ हम हमेशा रहेंगे। लेकिन ये आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय था, आपके लिए बहुत मुश्किल समय था और बाबा सिद्दीकी ने लगभग अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया था, उसके बाद भी टिकट के लिए आपसे कोई चर्चा नहीं हुई सीट उबाठा को देने से पहले? यही तो है महाविकास अघाड़ी, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है और मैं क्या ही कह सकता।